मुरैना की चर्चित सीट माने जाने वाली विधानसभा दिमनी में प्रत्याशी एड़ी चोटी का जोर लगा रही है। इसी क्रम में यही रहे विधायक रविंद्र सिंह तोमर कांग्रेस प्रत्याशी भी बढ़ चढ़कर प्रचार प्रसार कर रहे हैं। वहीं जनता का कांग्रेस प्रत्याशी रविंद्र सिंह तोमर और उनके सुपुत्र राजा भैया जनसंपर्क के दौरान अपर आशीर्वाद प्राप्त हो रहा है। वहीं राजा भैया के द्वारा आज जनसंपर्क किया गया। क्षेत्रीय जनता ने यह विश्वास दिलाया कि अब की बार कमलनाथ के साथ राघवेंद्र भैया विधायक दूसरी बार, जब कांग्रेस प्रत्याशी राघवेंद्र तोमर के सुपुत्र राजा भैया से बातचीत की तो उन्होंने बताया, कांग्रेस हमारे दिलों में बसती है, जब तक रहेंगे कांग्रेस के साथ रहेंगे। प्रदीप गुप्ता के साथ जयवीर कौरव की रिपोर्ट। सबसे पहले तो मैं भारत टीवी को बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहूंगा कि आपने अपने हमारे मन की बात रखने का आपने अवसर दिया। देखिए, जहाँ रहती है बात कांग्रेस के साथ संबंध रखने की, NSUI से संबंध रखने की, तो मैं ये कहना चाहूँगा कि दिल से तो हम बचपन से ही कांग्रेसी हैं। जैसा कि हमने बचपन से देखा है अपने पिताजी को कार्य करते हुए, तो अभी हाल फिलहाल ही में हमने एक यात्रा निकाली थी क्षेत्र भर में। अभी हमने पूरे क्षेत्र भर में अपनी पद यात्रा करी, तब भी हम कांग्रेस का झंडा हाथ में लेकर आए। तो मैं कहना चाहूँगा कि कांग्रेस तो हमारे दिल में बचपन से ही है और अंत तक, जब तक सांसें हैं तब तक एक कांग्रेस के सिपाही बनकर आगे चलेंगे और पार्टी की आइडियोलॉजी को काफ़ी दूर तक ले जाने की चाह है। पिताजी के द्वारा रविंद्र जी के जनसंपर्क लगातार चल रहा है, साथ में आप भी उससे संपर्क में शामिल हैं, किस तरह से जनता का समर्थन आपको प्राप्त हो रहा है इस सीट के निकालने? देखिए, जनता बहुत समझदार हो चुकी है और जनता हर एक बात जानती है। काफ़ी अच्छा समर्थन मिल रहा है। अभी तक मैं पैदल डोर टू डोर 32 गांव कर चुका हूँ और 33वें गांव की तरफ आगे बढ़ा। तो अभी तक जो 32 गांव में रिपोर्ट मिला है वो तो बस एक ही बात कहते हैं कि हमारा जो विधायक है रविंद्र सिंह तोमर बिड़ौसा, एक सच्चा, एक ईमानदार, जो झूठ नहीं बोलता है, जो दलाली नहीं करता है, जो जात पात नहीं करता है और एक समझदार विधायक, तो जनता का बहुत प्यार भी मिल रहा है, स्नेह मिल रहा है और बहुत ज़्यादा सपोर्ट भी मिल रहा है। कांग्रेस पार्टी इस सीट जमीन से निकलती है, पहली प्राथमिकता क्या रहेगी? देखिए, जैसा कि हम सभी जानते हैं, कांग्रेस की आइडियोलॉजी जो है वो युवा वर्ग को हमेशा साथ लेके चलने वाली है, वुमेन एम्पावरमेंट को आगे बढ़ाने वाली है। तो अगर यहाँ से सीट निकलती है तो सबसे पहले तो पार्टी की प्राथमिकता रहेगी कि जो इंफ्रास्ट्रक्चर है, जो आज भी कहीं ना कहीं थोड़ा सा पिछड़ा हुआ है इस क्षेत्र का, उसको आगे से आगे डेवलप करा जाए। दूसरा रही वुमेन एम्पावरमेंट की बात, तो कमलनाथ जी की घोषणा है 1500 रुपये माताओं बहनों को देने की और वृद्ध पेंशन को 600 से 1200 करने की, तो कहीं ना कहीं एक वुमेन एम्पावरमेंट को भी आगे बढ़ाना चाहिए। और रही बची बात युवाओं की, शिक्षा की, तो शिक्षा पर भी ध्यान देंगे और शिक्षा की तरफ युवाओं को आगे प्रोत्साहित करने के लिए कमलनाथ जी ने और भी योजनाएं निकाली हैं, जैसे कि पहले से लेकर 6ठी क्लास तक को 500 रुपये और ऐसे फिर 1000 रुपये और 11वीं 12वीं को 1500 रुपये। तो हमारी प्राथमिकता रहेगी शिक्षा पे, वुमेन एम्पावरमेंट पे और इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट। BJP का कहना ये है कि कांग्रेस पार्टी सिर्फ घोषणा करती है, धरातल पर नहीं आ पाती। देखिए, राजनीति है, लोकतंत्र है, सबको अपनी अपनी बात कहने का अधिकार है। वैसे 19 या 20 साल होने को आ गए हैं भाजपा की सरकार को और इस क्षेत्र में हम जब भी विभिन्न विभिन्न गांव में घूमते हैं तो हमारे बूढ़े बुजुर्ग यहां पे कहते हैं कि भाजपा की सरकार तो शिलान्यास की सरकार है, बस शिलान्यास कर देती है और उसके बाद उसको कभी पूरा नहीं करती है। तो ये तो आगे वक्त बताएगा, जनता बताएगी कि किसकी सरकार सच्ची है, किसकी झूठी। BJP कहना ये, हमने इतनी योजनाओं को चलाया है, इतनी योजना है कि हम उसको गिनाते गिनाते परेशान हो जाएंगे, ऐसा BJP का कहना है, मेरा नहीं है जी। तो क्या लगता है आपको, योजना वो धरातल पर है? देखिए, आपसे सच बोलें तो अभी यही पीछे जो गांव है इधर ही पे हम गए थे और एक माता जी से हमने जब संबोधन किया था तो उनको बताया था हमने ये कमलनाथ जी की योजना के बारे में कि आपको हर महीने 1500 मिलेंगे। तो माता जी हैं बेचारी, भोली हैं, तो उनने यहाँ की भाषा में कहा था कि हमें तो ललावे कछु मिला ही ना रहे हैं। तो यही आपका सवाल का जवाब देती है कि कितना ग्राउंड लेवल पे योजना आ रही है। और फिर रही बची बात योजनाओं की, तो मुझे तो ऐसा लगता है कि जो योजनाएं हैं ये चुनाव के 6 महीने पहले ही याद आती हैं सरकार को। और ग्राउंड लेवल पे बात करें तो माताओं बहनों बूढ़े बुजुर्गों का सबका यही कहना है कि हमें तो लला हमें मिल ना रही है। तो
ग्राउंड लेवल पे तो ये सब तो बातें हैं कहने कि कोई योजना लागू नहीं है। तो बात करें कि लाडली लक्ष्मी योजना चुनाव से पहले चालू हुई। जी, लाडली लक्ष्मी योजना, जैसा कि देखिए आजकल एक नई टर्म चालू हो गई है फ्रीबी पॉलिटिक्स जिसको हम लोग एक बात कहते हैं। तो लाडली लक्ष्मी योजना है जो माताओं बहनों के लिए योजना है, ये चुनाव के पहले ही क्यों, 5 साल पहले बहनें नहीं थी या फिर 5 साल पहले भांजे, उनकी कोई बात क्यों नहीं कर रहा, मेरा ये क्या